please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बारी आंकड़ों को दिखाने की इसके पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लें, उनकी रिएक्शंस लें, जनता जनार्दन यहाँ मेरे साथ मौजूद है जो मोदी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देख रही है। शुक्रिया दोस्तों यहाँ जुड़ने के लिए, जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए ताकि कुछ एनर्जी आपके अंदर भी आए कि क्या देखने वाले हैं। पहला सवाल आज का जो हमने पूछा था लोकल सर्कल के जरिए कि पाकिस्तान के प्रति सरकार के रवैये से क्या आप संतुष्ट हैं, हाँ कहने वाले 74% लोग हैं और नहीं कहने वाले 24% लोग हैं। यानी सरकार की पाकिस्तान के संबंध में जो नीति रही है उस बाबत जनता जनार्दन के पैमाने पर मोदी सरकार सफल कही जा सकती है। एक और काम, एक और सवाल आतंकवाद से जुड़ा हुआ, क्या आतंकवाद को कम करने में सरकार सफल हुई है, क्योंकि बीती सरकारों से कंपैरिजन होता है। 61% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। इस पैमाने पर भी मोदी सरकार को फर्स्ट डिवीजन से पास किया है जनता जनार्दन ने। करीब 40,000 लोगों की राय है, ये छोटा मोटा सर्वे नहीं है, 62,000 टू बी प्रिसाइज, 62,000 लोगों की राय है ये। तीसरा सवाल, मोदी सरकार के दौरान देश की छवि क्या बेहतर हुई है, 82% ने हाँ में कहा, हाँ में जवाब दिया है। और ये छवि बेहतर मतलब विदेशी पैमाने पर जो मोदी की जो नीतियां उस पैमाने पर तोला गया है, 82%। इन तीन सर्कल, इन तीन पैमानों पर तो मोदी सरकार सफल रही, लेकिन अब कुछ ऐसे आंकड़े जो वाकई में सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। पिछले 4 साल के दौरान देश में रोजगार बढ़ा, जो बात विपक्ष मुद्दा बनाता है बेरोजगारी का, 54% नहीं में जवाब देते हैं। ज्यादातर को लगता है कि रोजगार नहीं बढ़ा है, यानी बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, जैसा कि राहुल गांधी और विपक्ष बार बार कहते रहे। GST सरकार सफलता के तौर पर गिनती है। जनता से पूछा गया GST लागू करने से महंगाई में क्या कमी आई, नहीं कहने वाले 60% हैं, हाँ कहने वाले महज 32% हैं। यानी GST को भी जो सरकार सफल बताती रही, जनता जनार्दन को लगता है कि इससे उसकी जेब पर कोई फायदा नहीं हुआ। इन 5 पैमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और उसके बाद मैं लौटूंगा और भी कुछ आंकड़ों के साथ। एक क्विक रिएक्शन जानना चाहूंगा गौरव, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, GST और बेरोजगारी आज भी इस वक्त भी सरकार को लगता है कि चुनौती है कि नहीं लगता। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंटरव्यूज दिए, उसमें भी ये बात रखी कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम रोजगार के अवसर बढ़ाएं और उस पर सरकार कार्य कर रही है। जैसे मुद्रा योजना है उससे करीब 9 से 10 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले। EPF का डेटा आया, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, करीब 31 लाख लोगों ने EPF पॉलिसी में अपना डेटा दिया लास्ट 6 महीने में। ये दर्शाता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये सही दिशा में है और आगे चल के हमें उम्मीद है कि इससे ज़्यादा जो है हम जॉब क्रिएशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी करेंगे। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बात है कि मोदी सरकार वो सरकार है कि जिस से सबको उम्मीद है, तभी हम एक साल पहले भी रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, कर्नाटका के चुनाव अभी खत्म हुए, हम लोग पूछते रहे सिद्धारमैया जी रिपोर्ट कार्ड तो दे दीजिए, कर्नाटक छोड़ दीजिए, लेकिन वो केवल नहीं मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अच्छी बात है कि रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है और हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड हर साल देते हैं, लेकिन बाकी कांग्रेस की सरकारें कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। आई बेग टू डिफर दिस,